नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। सबसे पहले बुलेटिन में सीएम सर की क्लास की बात। जी हां, झारखंड में बीजेपी को दोबारा सत्ता में वापसी के लिए रांची में मुख्यमंत्री की पाठशाला सजी। सीएम सर की क्लास में झारखंड के सभी 81 विधानसभा के लिए बनाए गए कोर कमेटी सदस्य शामिल हुए। बैठक में तय हुआ 25 लाख नए सदस्य और 60,000 सक्रिय सदस्य बनाकर पार्टी 65 पार के लक्ष्य को हासिल कर दोबारा सत्ता में वापसी दिलानी है। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी अभी से ही विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने झारखंड में 14 में से 12 लोकसभा सीट पर कब्जा जमाया, जबकि 63 विधानसभा सीट पर पार्टी पहले पायदान पर रही। अब सांगठनिक गतिविधि को बढ़ाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोश को बढ़ाकर चुनावी मिशन मोड में लगना चाहती। बीजेपी के सभी 81 विधानसभा की कोर कमेटी की बैठक में बनी सहमति। 6 जुलाई से सूबे में चलाया जाएगा सदस्यता अभियान। बैठक में मुख्यमंत्री ने झारखंड में 25 लाख प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान 2019 की रूपरेखा बैठक में प्रस्तुत की गई। बीजेपी के झारखंड में 514 मंडल है, 30,000 सक्रिय सदस्य पिछले साल थे, इस साल इसे बढ़ाकर 60,000 सक्रिय सदस्य किया जाएगा। कोर कमेटी में विरोधियों से मुकाबले के लिए पार्टी ने तय किया है कि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता की रफ्तार को और गति देते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा जाए। आने वाले दिनों में ही यही कोर कमेटी फिर से हमारे जीत का आधार बनेगी, ये उन्होंने सबको ये संकल्प दोहरवाया और 65 के पार भाजपा इस बार झारखंड में जाएगी। इस बार सूबे में 81 विधानसभा में कम से कम 65 पर कमल खिलाने के लिए 25 लाख नए सदस्य बनाकर बीजेपी झारखंड में विधानसभा चुनाव में 65 पार का लक्ष्य हासिल करेगी। इसके लिए कोर कमेटी की बैठक में पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंडल से लेकर पंचायत स्तर तक सदस्यता अभियान को चलाने का निर्देश दिया। दूसरे दल से नाराज लोगों को भी बीजेपी की नीति और सिद्धांत बताकर पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य दिया। 25 लाख से ज्यादा सदस्य इस प्रदेश में हम बनाएंगे और 65 प्लस सीटों पर जीतने का संकल्प बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को देने का मार्गदर्शन मिला। सदस्यता अभियान को संगठन पर्व के तौर पर कार्यकर्ताओं को मनाने के साथ साथ इस बार पार्टी ने सूबे में 60,000 सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा, जबकि पिछले साल 30,000 ही सक्रिय सदस्य थे। अब पार्टी की पूरी रणनीति कोर कमेटी पर केंद्रित हो गई है। 81 विधानसभा की कोर कमेटी के लगभग 800 सदस्यों के कंधे पर 65 पार के लक्ष्य को हासिल कर बीजेपी को सत्ता में वापसी की जिम्मेदारी है। रांची से जी मीडिया के लिए कुमार चंदन की रिपोर्ट। एक तरफ बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत के लक्ष्य को साधने में जुटी हुई है, तो वहीं झारखंड महागठबंधन फिर से एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से उनके घर जाकर मुलाकात की। डॉ अजय कुमार जेएमएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी से भी मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन से मिलने के बाद डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि महागठबंधन को लेकर पहले किए गए समझौते बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के साथ बातचीत में लेफ्ट को महागठबंधन में शामिल करने को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही बीजेपी को शिकस्त देने के लिए बहुत जल्द रणनीति बनाई जाएगी। वहीं कांग्रेस के अंदरूनी कलह को लेकर डॉक्टर अजय कुमार ने प्रतिक्रिया दी और कहा, विरोध करने वाले कांग्रेसी नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे लोग पार्टी को ही कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी नेता व्यवहार से बड़ा होता है और जो विरोध कर रहे हैं वो जनाधार विहीन है और ऐसे लोगों पर पार्टी बहुत जल्द एक्शन लेगी। तो जो एग्रीमेंट हुआ था, हम अब लेफ्ट को बुलाएंगे, बैठेंगे सबके साथ, सबको विचार लेंगे, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ था लोकसभा के समय में, उसको जो है किसी, हमने जब गठबंधन में जो पार्टी शामिल हो उस एग्रीमेंट को तो मानना ही पड़ेगा ना। अगर वो एग्रीमेंट नहीं मानेंगे तो वो गठबंधन में नहीं रहेंगे।
मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो है पार्टी विरोधी काम है जब जो है ना जो है अगर आप पार्टी का जो है छवि को खराब करते हैं, तो मैं तो जितने भी लोग हैं मैं खुल के बोलता हूं कि वो तो गैर कांग्रेसी होंगे, क्योंकि यदि आपको जो है पार्टी को जो है मजबूत करना है तो पार्टी के फोरम में बोल दीजिए, अखबार में या गाली गलौज करना कल हमको देंगे, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे, परसों जो है किसी और को देंगे, तो इनडिसिप्लिन या यू नो बीजेपी को मजबूत आप अगर कर रहे हैं तो आप एंटी कांग्रेसी है ना। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास सूबे के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और इसी वजह से विकास योजनाओं से जुड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए वो लगातार सरकारी विभागों की समीक्षा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने झारखंड मंत्रालय में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी और विभागीय सचिव भी मौजूद रहे। सीएम ने रिव्यू मीटिंग में पिछले चार साल के कामकाज का लेखा जोखा मांगा है, साथ ही अगले तीन महीने की कार्य योजना की जानकारी भी ली। सीएम ने 5 नर्सिंग कौशल कॉलेज और 6 एकलव्य विद्यालय को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ICDS जो हम आंगनबाड़ी केंद्र बोलते हैं, तो आंगनबाड़ी केंद्र CDPO के मॉनिटरिंग में वो संचालित होता है, तो केंद्र कैसे चल रहा है और नहीं चल रहा है ये सारा डिटेल्स वो ले रहे थे। दूसरा जो ADSS जो हम सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी बोलते हैं वो पेंशन को देखते हैं, तो पेंशन का क्या स्थिति है, नई स्थिति है, ये सारे चीज वो डिटेल्स उस दिन देखे थे। मुख्य रूप से रिव्यू था कि इस साल का बजटीय बंद कितना है और उसके आलोक में क्या कार्रवाई की गई है, अब तक राज्य सरकार गठन के पश्चात अब तक क्या क्या उपलब्धि विभाग की रही है और अगले आगे के कुछ महीनों में क्या क्या कार्य योजना है तैयारी की, तो डिटेल्ड सभी बिंदुओं पर डिटेल रिव्यू सर के द्वारा किया गया। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास की मैराथन मीटिंग्स को लेकर विपक्ष ने हमला बोला है। JMM के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब बीजेपी की नाव ज्यादा दिनों तक नदी में नहीं तैर सकती, उनकी नाव में पानी भर गया है, इसलिए मुख्यमंत्री छटपटाहट में दिन रात बैठकें कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि इन बैठकों के जरिए कोई विकास नहीं होने वाला, राज्य में पानी, बिजली, सड़क, खेती जैसी सभी मूलभूत समस्याएं जस के तस पड़ी हुई हैं और अब सरकार की इन बैठकों से जनता गुमराह नहीं हो सकती। बिजली की हालत क्या है, देखिए पानी की हालत क्या है, आज किसान त्राही माम है, आज खेती करने का तो बात छोड़िए, पीने की पानी की अभाव है, आज नल सूख रहे हैं, आज कुआं सूखा पड़ा है, आज बिजली का क्या हालत है, विधि व्यवस्था का क्या हालत है, देखिए आज सरकार ये दिखावटी की सरकार अब नहीं चलेगी। इतना जगह इन लोगों ने शहीद के गांव में जा जाकर के आधारशिला रखे हैं, उन सब जगहों को जाके देख लीजिए, आज हमारे यहाँ पर वंशजों का जो परिवार है उनकी हालत को जाके देखें, ये सरकार क्या हालत कर रखी है। अब बात एक जुल्मी नेता जी की कर लेते हैं, वो नेता जो जनप्रतिनिधि होता है, जो लोगों की रहनुमाई करता है, लेकिन जब रसूख सर चढ़कर बोलता है तो फिर ये नेता मददगार बनने के बजाय मुसीबत बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है धनबाद में, जहां कांग्रेस के एक नेता ने अपने गुर्गों के साथ कई लोगों के साथ मारपीट की और फिर सारी हदें पार करते हुए 14 साल के मासूम पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। कांग्रेस नेता की दबंगई, गुर्गों के साथ मिलकर मचाया कोहराम, महिला सहित कई लोगों पर हमला, मासूम पर चढ़ाई गाड़ी, ये भीड़, ये शोर, ये हंगामा धनबाद के टिकियापाड़ा के लोगों की है, जहां कांग्रेस नेता आलम ने महिला समेत कई लोगों को पूरी तरीके से पीटा और आखिर में एक 14 साल के मासूम पर अपनी हनक दिखाते हुए गाड़ी चढ़ा दी। इसकी वजह से वो मासूम अस्पताल में भर्ती है। सफेद पोश नेता की इस दबंगई से लोगों में इस कदर आक्रोश है कि कभी भी कोई बड़ा मामला हो सकता है। अब उनका रिश्तेदार लोग था, जितना भी सब मिलके सीधा मारना स्टार्ट कर दिया। मारने के बाद लेडीज लोग ऊपर हाथ उठाए, कपड़ा वपड़ा फाड़ा है, जब हम लोग साइड हो गए लफड़ा करके, उधर से फोर व्हीलर ला के सीधा चढ़ाए मेरे ऊपर। आज मेरे घर में घुस के महिला के साथ इस तरह से मार किया, जिस तरह से एक मर्द को महिला का छूना सबसे अपराध होता है,
प्लस हम लोगों को ऐसा गाड़ी चढ़ाया गया, अल्लाह ना चाहे उसकी मौत हो जाए, नहीं हो, बच जाए। मौत और जिंदगी से लड़ रहा मीडिया नहीं है, तो जाकर देख ले। लोगों के साथ मारपीट कर नेताजी अपनी दबंगई दिखाते हुए चलते बने। इसके बाद से इलाके के लोगों में बेहद नाराजगी है, जिसे देखकर प्रशासन मामले को समझने और सुलझाने के लिए वहां पर भेजा। लेकिन पुलिस है कि सब कुछ जानने के बाद भी कार्रवाई की बजाय सरकारी भाषा बोल रही है। वो दोनों पक्ष में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते वो गाड़ी चढ़ाने के बाद बोलता रहा। वो अभी खोज रहे हैं, कहता मामा घर में है, तो कोई कहता किसी दूसरे घर में है, तो सब जगह जा रहे हैं खोज रहे हैं। पुलिस के सामने फसाद की सारी तस्वीर साफ है। जिस पर जुल्म हुआ वो सामने है, जिसने किया उसका नाम पता ठिकाना सब मालूम है, लेकिन फिर भी कानून के हाथ खाली है। नितेश, जी मीडिया, धनबाद। उधर यौन शोषण मामले में फंसे जेवीएम विधायक प्रदीप यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस उनकी तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। लिहाजा प्रदीप यादव ने अग्रिम जमानत के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले भी उन्होंने देवघर कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था, और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। छेड़छाड़ मामले की फांस, माननीय की अटकी सांस, अब हाई कोर्ट से है आस। पोड़ैयाहाट के विधायक और झारखंड विकास मोर्चा के प्रधान महासचिव प्रदीप यादव मुश्किलों में। यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे प्रदीप यादव गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और अब उन्हें हाई कोर्ट से ही आस है, जहां उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी, क्योंकि इससे पहले निचली अदालत से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और देवघर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, जिसके बाद झारखंड पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। दुष्कर्म के प्रयास के मामले में देवघर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है, और आप देख सकते हैं कि कल देर शाम यानी रविवार के देर शाम देवघर की पुलिस रांची पुलिस के साथ लगातार रांची के कई ठिकानों पर उनके खिलाफ छापेमारी करती रही, उनकी गिरफ्त के लिए प्रयास करती रही, और इसी प्रयास के तहत इस आवास पर भी लगातार देवघर पुलिस और रांची पुलिस के संयुक्त टीम ने छापेमारी की है, लेकिन अभी तक उनके हाथ खाली। प्रदीप यादव पर जेवीएम की महिला प्रवक्ता ने होटल में छेड़खानी का आरोप लगाया था। इसके बाद महिला ने घटना की जानकारी जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मारांडी को दी। कोई सुनवाई नहीं होने पर 3 मई 2019 को महिला ने देवघर महिला थाने में प्रदीप यादव और होटल के प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। 8 मई को पुलिस ने होटल के कमरे की फॉरेंसिक जांच की और वहां के सभी स्टाफ से पूछताछ की। 9 मई को महिला ने देवघर कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज कराया। 13 जून को साइबर थाने में प्रदीप यादव से करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में पूछताछ की गई। 17 जून को देवघर कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में बहस के बाद अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। 18 जून को देवघर कोर्ट ने प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी। 28 जून को देवघर पुलिस ने कोर्ट में प्रदीप यादव की गिरफ्तारी वारंट के लिए अर्जी दी थी। 29 जून को कोर्ट ने प्रदीप यादव की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया। अब गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रदीप यादव को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अब फिर चार्जशीट में जो आएगा जैसा होगा, फिर अकॉर्डिंगली अगर ट्रायल का विषय होगा तो उसको देखा जाएगा आगे चलकर। लोकसभा चुनाव में प्रदीप यादव को हार का सामना करना पड़ा और तब से उनकी मुसीबतों में इजाफा होना शुरू हो गया, और मामले की जांच पूरी होने तक उन्हें जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर पार्टी महासचिव के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। वहीं मामले को लेकर सियासत भी जारी है। प्रदीप यादव को बदले की भावने से भी प्रेरित किया गया, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी तेज और काफी थर्रार आदमी है। अगर ऐसे ऐसे लोगों को विधायक बनाए हैं जो कानून का सम्मान नहीं करे, जिनके ऊपर संगीन आरोप है और वो भागे भागे फिर रहे हैं, अरे आप सरेंडर कीजिए, कानून का सम्मान कीजिए। सियासत अपनी जगह है, वैसे भी प्रदीप यादव पर लगे आरोपों की सच्चाई अभी सामने आना बाकी है, लेकिन तब तक गिरफ्तारी से बचने के लिए ना जाने माननीय कितने पापड़ बेलेंगे। कामरान के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। चले बात करते लाल आतंक पर हुए आघात की खबर। लोहरदगा से, जहां पुलिस ने 3 नक्सली समर्थकों को गिरफ्तार किया है। तीनों नक्सली समर्थक लेवी उगाही का काम करते थे।
आपको बता दें कि सिरेंग दाग के जंगल से 118 जिंदा कारतूस और नक्सली पोस्टर्स बैनर्स के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई है। सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर टीम की यह कार्रवाई नक्सली जोनल कमांडर रविंद्र गंजू दस्ते के लिए एक बड़ा झटका है। लोहरदगा में लाल आतंक पर चोट, तीन नक्सली समर्थक गिरफ्तार। नक्सली कमांडर रविंद्र गंजू को झटका। लोहरदगा पुलिस ने तीन नक्सली समर्थकों को गिरफ्तार किया है। इसकी पुष्टि एसपी प्रियदर्शी आलोक ने की। उन्होंने बताया कि ये तीनों नक्सली समर्थक शहर में रहकर भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के जोनल कमांडर रविंद्र गंजू के लिए लेवी उगाही का काम करते थे। इनके पास से पुलिस ने एक एसएलआर और इंसास की गोली, साथ ही नक्सली साहित्य भी बरामद किया है। सरेंगदाग थाना इलाके के गुनी जंगल से इनकी गिरफ्तारी हुई। ये तीनों सहयोगी सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट उस एक्सिस पे सनी गुनी जुर्मी जुर्माने वाले एक्सिस पे पूरे माओवादी के दस्ता को प्रोवाइड करते थे। और इसमें जो शकील अंसारी है ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, पहले भी आम सप्लायर रहा है। बहरहाल लोहरदगा में भाकपा माओवादी रविंद्र गंजू के दस्ते में 10 नक्सली हैं, जिसमें 8 कमांडर हैं और सभी नक्सलियों के ऊपर राज्य सरकार ने इनाम घोषित कर रखा है। लोहरदगा से पारस साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर राजधानी रांची में देश के पहले वेंडर मार्केट में आज से फुटपाथ दुकानदारों ने दुकानें लगानी शुरू कर दी हैं। रांची नगर निगम ने राजधानी रांची को जाम मुक्त बनाने के लिए यह प्रयास किया है। आज से कचहरी से लेकर सजना चौक तक सड़क किनारे दुकानें लगाने पर रोक लग गई है। रांची नगर निगम ने दुकानदारों के लिए जयपाल सिंह स्टेडियम में बने नवनिर्मित झारखंड में अटल स्मृति मार्केट 34 करोड़ की लागत से बनाया है। इस मार्केट में दुकानें सज धज कर गुलजार हैं। मार्केट का बनाने का मकसद था सड़क किनारे लगा रहे दुकानदारों को यहां जगह उपलब्ध कराने का। इसमें स्थायी हम लोग को मिल गया है, अब हम लोग का लगन रहेगा तो बहुत बढ़िया से हम लोग चला पाएंगे। आज बहुत खुश है, बहुत मतलब संघर्ष कर परेशानी होता था, लेकिन आज बहुत खुश है। दुकानदारों को काफी राहत होगा, रोज पुलिस प्रशासन से आगे पीछे करना, ये करना, बहुत तरह का दिक्कत था लोगों को। सर्जना चौक से कचहरी चौक तक निगम द्वारा नो वेंडिंग जोन घोषित करने के बाद अटल स्मृति वेंडर मार्केट की रौनक बढ़ गई है। अधिकतर दुकानदारों ने अपनी दुकानें मार्केट में लगा ली हैं। निगम की ओर से पहले ही दुकानदारों को सूचना दे दी गई है कि नो वेंडिंग जोन में दुकान लगाने वालों का सामान जब्त कर लिया जाएगा। मैं शुरू से ही प्रारंभ से विधायक नहीं था, उसके पहले से फुटपाथ पर जीविकोपार्जन करने वाले लोगों के हितों की लड़ाई लड़ता रहा हूं और आज भी लड़ रहा हूं। आए दिन लगने वाले जाम से बुरी तरह से प्रभावित रांची को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम ने यह फैसला लिया है। अब देखना होगा कि इस फैसले के लागू होने का रांची की मुख्य सड़कों पर कितना असर दिखाई देता है। अभिषेक, जी मीडिया, रांची। सबका साथ सबका विकास की सोच की बदौलत हजारीबाग नगर निगम के द्वारा एक पहल की गई है। इस पहल के तहत हजारीबाग शहर में जितने भी फुटपाथ गुमटी में व्यवसाय करने वाले लोग हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। उनके लिए एक व्यवस्थित स्थल का चुनाव भी किया गया है और उन्हें किसी भी क्षेत्र को अतिक्रमण नहीं करने की सलाह दी गई है। हजारीबाग शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान इन दिनों जोरों पर चल रहा है। शहर में अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मचा हुआ है। जहां तहां फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। आप यहां वेंडर जो है वो खाली पड़ा हुआ है, उसमें घास उग रहा है, सड़कें खत्म हो रहा है, उसको अब दे नहीं रहे हैं, तो ये औचित्य समझ में नहीं आता है। यहां के जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके जितने भी निर्णय हैं वो समझ से परे। नगर निगम की ओर से 1600 के लगभग वेंडरों का चुनाव किया है, उन्हें जल्द ही बसाने का काम भी किया जाएगा। अब तक नीलांबर, पीताम्बर चौक सहित अन्य कुछ जगहों पर वेंडर जोन बनाया गया है और इसके लिए लगभग 100 की संख्या में दुकानें भी बनाई गई हैं। जितने भी फुटपाथ दुकानदार के लोग हैं वो ज्यादा प्रभावित है और नगर निगम इसमें बहुत गंभीर है
हम उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं और इसके लिए हमने जगह का भी चयन किया है। सरकारी व्यवस्था की बात की जाए तो योजनाएं लोगों के लिए बेहतर तो बनाई जाती हैं, लेकिन वो सही से धरातल पर उतर नहीं पाती। अब जरूरत है योजनाओं के सही क्रियान्वयन की, ताकि गरीब अपनी जीविका सही ढंग से चला सकें। यादवेंद्र, जी मीडिया, हजारीबाग।